इन दिस सेक्शन आई विल बी एक्सप्लिंग हाउ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ कैन हेल्प एन इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडवर्स सिलेक्शन कि आप बैड इन्वेस्टमेंट डिसीशन ना करें इस चीज़ को किस तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हमें मदद देती हैं या कोई भी इन्वेस्टर्स को मदद देती हैं सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते किस को हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो इदारे हैं या वो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि फाइनेंसेस में लेन देन करते हैं सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बैंक्स की और बैंक्स आप एक बहसियत इन्वेस्टर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मगर आप अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ए समिट्री की वजह से कम इंफॉर्मेशन की वजह से यू माइट एंड बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक और ऑप्शन ये है कि आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की मदद ले लें उनका काम है कि वो एक्सपर्ट्स उन्होंने हायर किए हुए हैं वो डेटा की एनालिसिस करते हैं और वो उसके मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे सो व्हाट यू व्हाट पीपल डू इज दैट दे इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडवर्स सिलेक्शन in order to cut this problem or reduce the problem of information asymmetry, they go to the financial intermediary and the financial intermediaries will do the business on, on their behalf. so as a result, what happens? the financial intermediary, do information asymmetry, come data, subscribe, karke, experts, hire, or as a result, come funds, leti hai, savers se. और उनको फिर अपने हिसाब से उन सिर्फ लोगों में जाके या उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगी या गुड कंपनीज को जहाँ वो फिजिबिलिटी चेक करते हैं ये इनमें जो बायबैक या एबिलिटी है उसके मुताबिक वो असेसमेंट करके ऐसी ही फॉर्म्स के अंदर जाके बिज़नेस करते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाके इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको यकीन हो कि जो रिटर्न इन गुड फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें मिलने वाला है और जो हमने सेवर से जिसका एक्चुअल हमने मनी इस्तेमाल करें उसको जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है बैक एंड के ऊपर जो पैसे उसको देने हैं जो हमने पैसे कमाने हैं वो हर हालत में उससे बड़े होने चाहिए इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या कोई बैंक हमेशा ये मेक श्योर sure करता है कि वो गुड फर्म्स में इन्वेस्ट करे ताकि उससे जो उसको रेवेन्यू मिलेगा या रिटर्न मिलेगी वो रिटर्न हायर हो उस रिटर्न से जो उसने जिस आदमी जिस कंपनी जिस फर्म की के पैसों की मदद से वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसको वापस कर रहे हैं राइट तो मार्जिन उन्होंने वो अपना सफिशेंट मार्जिन अपने पास रखते हैं ओनली देन दे कैन सर्वाइव एंड दैट इज़ देयर प्रॉफिट सो दे ऑलवेज डू देयर बिजनेस और इन्वेस्ट इन गुड फर्म्स एंड दे अवॉइड एंडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बैड फर्म्स तो उससे भी आपका जो इन्फॉर्मेशन एसेमेट्री का प्रॉब्लम है या एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम है बाई इन्वॉल्विंग द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आप उसको किसी हद तक काफ़ी हद तक कट डाउन कर सकते